सपा सांसद आजम खान की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बार रामपुर प्रशासन ने सरकार को एक रिपोर्ट भेजकर आजम खान की यूनिवर्सिटी को शासकीय नियंत्रण में करने का प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव प्रशासन की 9 सदस्यों की समिति द्वारा की गई और जांच के बाद लिया गया है। शासन को भेजी गई रिपोर्ट में साफ किया गया है कि जिन शर्तों के आधार पर जौहर यूनिवर्सिटी को जमीन दी गई थी, उन शर्तों का पालन नहीं किया गया, इसीलिए इसे शासकीय नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। एडीएम ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में 9 सदस्यों की एक जांच कमेटी ने 29 फरवरी को एक रिपोर्ट भेज दी है। यूनिवर्सिटी में जो 78 हेक्टेयर जमीन है, उसमें 36 हेक्टेयर के आसपास जमीन शासकीय है। इसके बारे में तो ये नहीं बताया जा सकता यहाँ से, क्योंकि ये नीतिगत विषय है और सरकार इसके बारे में जो भी निर्णय लेना चाहेगी लेगी। यहाँ से जो शिकायत थी, शिकायत के संदर्भ में 9 सदस्यीय जो समिति थी उसने एक शिकायत की जांच की थी और जांच के संदर्भ में यहाँ से 29 फरवरी को एक रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें लगभग 78 हेक्टेयर जो टोटल जमीन है जौहर यूनिवर्सिटी में, उसमें से वर्तमान में करीब 36 हेक्टेयर के आसपास लैंड शासकीय है, चाहे वो ग्राम स्वराज की है चाहे राजकीय संपत्ति के रूप में है। और इसके अलावा जो वहाँ पैसा लगा हुआ है, जो धनराशि लगी हुई है, उसका जो आकलन कराया गया है, उसमें लगभग 163 करोड़ रुपए में 88 करोड़ रुपए शासकीय स्रोतों से पैसा लगा हुआ है। तो जो हमारी 9 सदस्यीय समिति है जो यहाँ बनी हुई है, जिलाधिकारी के द्वारा जो बनाई गई है, उसने ये पाया। दूसरी बात है कि चैरिटेबल के रूप में इनको परमिशन दी गई है 12.5 एकड़ से अधिक जमीन रखने की। उन जमीनों को चैरिटेबल के आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट की एक रिपोर्ट आई है कि जो चैरिटेबल की शर्तें हैं, चैरिटेबल का जो कार्य है, उसको भी जो उसमें नियम और जो शर्तें दी गई हैं उसके अनुरूप नहीं हो रहा। चैरिटी के रूप में जो शिक्षा की व्यवस्था दी जानी चाहिए थी उसमें भी समस्या है, सस्ती फीस नहीं है शिक्षा को लेकर के और उसकी गुणवत्ता को लेकर के। तो उस रिपोर्ट में इस चीज़ों को उल्लेख करते हुए यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में क्या भेजा गया? बस ये भेजा गया कि इसको शासकीय नियंत्रण में लेकर के उसके बारे में विचार कर लिया जाए। प्रशासन से आपको नहीं, अभी कुछ नहीं, ना भी कुछ इस बारे में प्राप्त हुआ है और कोई इस पे आदेश निर्देश नहीं मिला है। बस केवल जो एक शिकायत थी, उस शिकायत पे एक जांच की गई और जांच करके यहाँ से वो रिपोर्ट भेजी। आपको बता दें कि आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। 13 मार्च को रामपुर के एडीजे 6 कोर्ट में आजम खान और उनके परिवार की पेशी होगी। रामपुर से रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी।